ये कहानी आपकी सोच को बदल देगी। आप जिस तरह से सोचते हैं, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ इंसान विचारों से निर्मित प्राणी है, जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। देखिए, हमारे बच्चों को भी ये लाइन पूरी तरह से उनका जीवन का हिस्सा बन गया है। आपके जीवन का भी हिस्सा, जैसा सोचता है वैसा बन जाता है, और जो 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 सोच रहा है उसको वो मिल रहा है। चलिए कहानी देखते हैं। एक पर्सन था, एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनके पाँच लड़के थे। कितने लड़के थे? पाँच लड़के थे। वो व्यक्ति ने पूरी ज़िंदगी भर गरीबी देखी और गरीबी में गुजर गया। उस आदमी ने जिंदगी भर गरीबी देखी और गरीबी में गुजर जाता है, लेकिन उसके पांच बच्चे थे और पांचों बच्चों को एक पेट्रोल पंप में काम करने वाला एक पेट्रोल पंप का जो मालिक था, उसने उस पांचों बच्चों को अपने काम पर रख लिया। अपने पेट्रोल पंप पर रख लिया। पहला बच्चा जो था, बड़ा लड़का जो था, वो बहुत निगेटिव सोचता था। वो बोलता था, हमारे साथ बहुत अत्याचार हुआ है, हमारे साथ बहुत गरीबी हुई, बहुत हमारे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, ईश्वर ने हमको ऐसा बनाया, ईश्वर ने हमको वैसा बनाया। रोज़ अपने आप को निगेटिव बोल बोल के वो इंसान मरा, तो निगेटिव में ही मरा, दरिद्र में मरा। किस में मरा? हाँ, वो बेचारा ऐसी गरीबी में मर गया। निगेटिव सोचता था जो पहला लड़का था, बड़ा लड़का था, वो हमेशा निगेटिव में ही मर गया। क्यों मर गया निगेटिव में? क्योंकि वो सोचता था हमारे साथ जास्ती हुई है, हम लोग तो गरीबी रह गए, हम लोग कभी आगे नहीं बढ़े। दूसरा जो लड़का था, वो पेट्रोल पंप में ईमानदारी से काम करता था, उसने पेट्रोल की सारी चीज़ों को सीखा और 30 साल काम करने के बाद उसका दिमाग में पहले से बचपन से एक सपना था, मैं एक कार खरीदूंगा। क्या खरीदूंगा? कार खरीदूंगा। मैं क्या खरीदूंगा? कार। और दूसरा बच्चे ने क्या किया, जिंदगी भर का सपना था मुझे एक कार चाहिए, और 30 साल पेट्रोल पंप पे काम करने के बाद एक कार खरीदता है। क्या खरीदता है? कार। तीसरे नंबर का जो बेटा था, वो भी थोड़ा महत्वाकांक्षी था, वो बोला कि मुझे ना ऐसा पेट्रोल पंप डालना है। क्या बोलता है? ऐसा पेट्रोल पंप डालना है। वो जब पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरता था तो रोज अपने आप को बोलता था, मेरा भी एक दिन बड़ा पेट्रोल पंप होगा, मेरा भी एक बहुत बड़ा पेट्रोल पंप होगा। और नियति ने उसके साथ ऐसा कुछ किया कि उसका खुद का पेट्रोल पंप हो गया। मित्रों, चौथा नंबर जो था, वो बोलता था ये पेट्रोल कहाँ से आता है, मैं पेट्रोल पंप का सप्लायर बनूंगा। क्या बोलता है? मैं पेट्रोल पंप का सप्लायर बनूंगा। ये पेट्रोल आते कहाँ से? उसने उसका स्टडी चालू किया, पेट्रोल मिलता कहाँ से सारा स्टडी किया। और वो पेट्रोल पंप का जो सप्लायर होता है, पेट्रोल पंप को जो लोग पेट्रोल सप्लाई करते हैं, उसका मालिक बन जाता है। अब जो आखिरी था, वो बोला कि मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे ईश्वर चाहिए, मुझे हैप्पीनेस चाहिए, मुझे समय चाहिए, मुझे आनंद चाहिए। और वो क्या करता है, ये सारे चीज़ों से दूर वो ईश्वर की तलाश करता है, अपने आप का इंट्रोस्पेक्ट करता है, अपने आप का खोज करता है। और सचमुच में एक गुरु उनके जीवन में आते हैं जो उसको सारा चीज़ देकर जाते हैं। जो आत्मज्ञान की खोज करता है, उसके पास पैसा आ जाता है, उसके पास आनंद आ जाता है, उसके पास सारे की सारी चीज़ें, लोग आते हैं उनके पास, उनके चरणों में आते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, सारा चीज़ उसको मिल जाता है। दुनिया भर की खुशी वो पाँचे बेटे को मिलती है, क्योंकि उसका जो था वो ईश्वर को पाना चाहता था, वो आनंद प्रेम और पैसा ये सब के ऊपर जाना चाहता था, और उसको वो सब चीज़ मिली। मित्रों, कहानी क्या बताती है, आप जो मांग रहे हैं आपको वो मिल रहा है। कहानी क्या बोलती है? यश, आप जो मांग रहे हैं वो मिलता है, आप जो मांग रहे हैं वो आपको मिल रहा है। पांचों बच्चों का जन्म एक ही माँ के कोख से हुआ था, लेकिन पांचों के पांचों की सोच देखिए, एक दरिद्री में मर जाता है तो एक आत्मज्ञान को पाकर ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। आप क्या मांग रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आपको वही मिल रहा है। मित्रों, ये कहानी बताने का यही उद्देश्य है कि हम सब एक विचारों के नियम को पालन कर रहे हैं। ये कहानी जो मैंने बताई, सरश्री की किताब विचार नियम से मैंने आपको बताया, ये कहानी बहुत ज़बरदस्त है और ये हम सब के लोगों से रिलेट करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।